बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो भी प्रॉपर्टी टाइप्स के ऊपर है, ठीक है ना, कि प्रॉपर्टी टाइप्स कौन कौन सी हैं। लास्ट हम सिंगल फैमिली डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद मल्टी फैमिली हमने डिस्कस किया था, और मल्टी फैमिली के अंदर हमने डुप्लेक्स को, ट्रिप्लेक्स को और फोरप्लेक्स को जो है डिस्कस किया था, ठीक है। तो यार कोशिश किया करो वीडियो पूरी देख लिया करो, उस वीडियो के अंदर भी ना पूरी मैंने डिटेल के साथ लंबी सारी वीडियो सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, पूरी नहीं देखोगे तो भाई मेरा कसूर नहीं, फिर आपका कसूर है, आपने नहीं देखी, मैंने तो बता दिया ना सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अगर नया हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है ना। यार हर बात बताना ना पड़े यार, कर गया करो। जो नए बंदे आ रहे हैं, अगर ट्रेनिंग सीखना चाह रहे हो आप, करना चाह रहे हो, तो इंशाल्लाह यहाँ आपको जेन्युइन वीडियोज़ मिलेंगी, जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी, कोई इसमें फेक चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। खुद भी फ्रीलांसर हूँ मैं, लोग जो सब्सक्राइब हो तो जानते हैं यार, जो नए हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में मल्टी फैमिली तो टाइप है ना, पहले मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब मल्टी फैमिली की सब टाइप उसमें कुछ बताई थी, आज एक और टाइप को मैंने डिस्कस करना है, वो कौन सी है? कंडो। अब कंडो क्या है यार, गलत ना ले जाना यार, कंडोमिनियम इसका नाम है, शॉर्ट में इसको कंडो कहते हैं, ठीक है ना। कंडोमिनियम प्रॉपर्टी टाइप है, सब टाइप, ठीक है। मल्टी फैमिली की सब टाइप है कंडोमिनियम, और इसको शॉर्ट में कहा जाता है कंडो, ठीक है। तो अगर कभी आपको क्लाइंट भी कंडो कह दे तो यार गलत ना समझना, कंडोमिनियम है, ठीक है, तो इसको कंडो कहते हैं। बार बार यही चीज़ समझा रहा हूँ, समझ जाओ। अच्छा चलो, होती कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? अच्छा, कंडो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं यार? सब टाइप ये इस तरह की कि एक ही बिल्डिंग के अंदर इसमें काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं, यूनिट्स होते हैं, इनको आप अपार्टमेंट्स नहीं कहेंगे, इनको यूनिट्स कहेंगे, ठीक है ना। होते अपार्टमेंट्स टाइप ही कह लेंगे, अपार्टमेंट बहुत छोटा होता है, एक से दो बेडरूम का हो जाता है, ठीक है ना। मैं ज़्यादा एक से दो ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता जो अपार्टमेंट है, और वो ज़्यादातर रेंट ही किया जाता है, यानी कि वो रेंट पे देने के लिए एक ही बिल्डिंग बना के एक बंदा तो उसमें वो दे देता है। यहाँ तो होता है ना, हमारे पाकिस्तान में तो है कि यहाँ वो बेचते हैं अपार्टमेंट्स को, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको हम अपार्टमेंट्स नहीं, उनको भी हम यूनिट्स कह सकते हैं, और वो कंडो ही कहा जाएगा, लेकिन बाहर जो है और चीज़ है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं, बे इंतहा नहीं, ज़रा शॉर्ट बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, 15-20-25-30 अपार्टमेंट यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स अपार्टमेंट्स नहीं, यूनिट्स, जहाँ पे वो जिन्होंने ओन किया हुआ है, जिनकी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों ने वो ख़रीदे हुए हैं, अब वहाँ पे वो क्या करते हैं, एलिवेटर भी वही यूज़ कर रहे हैं, लिफ्ट जगह कह रहे थे यार, लिफ्ट यूज़ करते हैं सब, एक ही कॉमन लिफ्ट यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो जिम होता है कह लें वो भी कॉमनली सभी वो यूज़ करते हैं, वहाँ पूल है तो सारे के सारे वही यूज़ करेंगे, और गैरेज हैं तो वो भी सारे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ हमारे बिल्डिंग्स हैं अपार्टमेंट्स की, तो उनके अंडरग्राउंड जो बना होता है, गैरेज बना होता है, पार्किंग जिसे कहते हैं, कि अंडरग्राउंड पार्किंग बनी होती है, और वो जो अपार्टमेंट्स जिनके पास होते हैं, जिन्होंने रेंट किए होते हैं, जो मालिक होते हैं, वही कर सकते हैं वहाँ पे पार्किंग, वहाँ आपको गार्ड कोई बाहर के बंदे को गाड़ी भी नहीं लगाने देता, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ होती है कि आप जो कंडो में रह रहे हैं, जिसका कंडो है, जो उसका मालिक है, ओनर है, वहाँ पे रह रहा है, वो गैरेज भी वही यूज़ कर रहे हैं, कॉमन गैरेज, कॉमन एलिवेटर और कॉमन लॉन्ड्री, या उसके बाद जो आप कह सकते हैं पूल है कॉमन, जिम है कॉमन, अगर वहाँ पे 8-ball पूल पड़ी है तो वो भी कॉमन, यानी कि क्लब कह लें जिसको, और जिम है, क्लब है, गेमिंग जोन थोड़ा सा बनाया हुआ है, वो चीज़ें जितनी भी हैं वो कॉमनली यूज होती हैं सबके ज़रिए, ठीक है ना। कंडो बिल्डिंग जो है, कंडो इसको कहते हैं जो बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा यूनिट्स होते हैं और लोग उनको ओन करते हैं, वहाँ रह रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कंडो की डेफिनेशन है, सब टाइप है मल्टी फैमिली जो टाइप होती है प्रॉपर्टी की, उसकी सब टाइप है कंडो, कंडोमिनियम, इसका पूरा नेम है कंडोमिनियम, मैंने पहले बताया फिर बता रहा हूँ, कंडोमिनियम पूरा नेम है, इसको कंडो शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है। ये कंडो पे बना दिए, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो टाउन हाउस पे होगी, टाउन हाउस, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.